स्वागत है आपका हमारे अपने गाड़ी अभी गुजरात के लिए लोड है महाराष्ट्र का बाजार मार्केट अपने गाड़ी के लिए लिक्विड ईश्वर घाट में आ चुके हैं कन्नड़ 40 गांव घाट में टाटा लवर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रक लवर्स एंड ब्लॉग्स के नए से ब्लॉग में। तो बहुत दिनों से हमने कोई ब्लॉग नहीं डाला, जो अपनी रिटर्न की ट्रिप है गुंटूर से हम जब वापस आए थे वो ब्लॉग हमने नहीं डाला क्योंकि प्रॉब्लम था भाई अपना जो मोबाइल है मोबाइल का प्रॉब्लम था थोड़ा, इसीलिए हमने कोई ब्लॉग नहीं डाला। तो अभी अपन है अपने गाँव या अपनी गाड़ी, तो अभी अपन अभी अपन आ चुके हैं अपने अपन जहाँ पे गाड़ी लगाते हैं वहाँ से अपन अभी आ चुके आगे। तो ये अपने महाराष्ट्र का अभी अपन हसनाबाद में आ चुके हैं। अभी आज बाजार का दिन है तो बता दो आपको महाराष्ट्र का बाजार मार्केट बता रहा मैं बाजार अपन बोलता हूँ आपका ब्लॉगर। तो दोस्तों बाजार में बहुत गर्दी है इसलिए हम ब्लॉग अभी शूट नहीं कर सकते, बाद में बताऊंगा आपको आगे जाने के बाद कुछ अच्छा व्यू बताऊंगा, बने रहिए ब्लॉग के साथ। अपन अभी आ चुके हैं भोकरदन में, यहाँ पे अपन अभी दे रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए लिक्विड बताता हूँ आपको। ये ले लिया हमने अपनी गाड़ी के लिए लिक्विड और कर लिया है फिर से अपना सफर कंटिन्यू, बने रहिए ब्लॉग के साथ। बताता हूँ आपको अपन अभी डीजल वगैरह डाल के अपने सफर पे कर लिया है हमने अपना सफर फिर से एक बार कंटिन्यू। अभी अपन है सिल्लोड से थोड़ा आगे, यहाँ पे आपको बताने के जैसा कुछ ज्यादा नहीं है, महाराष्ट्र के खेत है बताता हूँ आपको। ये महाराष्ट्र के खेत खलियान है,
बराड़ी में, बराड़ी गांव है, गांव में अपना भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अपने आकाश भाई बोल रहे थे कि मुझे भूख लगी है, यानी कि आकाश भाई को, तो अभी जा रहा हूँ कुछ नाश्ते के लिए लेके आता हूँ आकाश भाई के लिए, बताऊँगा आपको भी। डेंजर है इसलिए आपको पूरा व्यू बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि गाड़ी भी चलाना है मुझे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा व्यू बताऊंगा आपको।
घाट वगैरह उतर के अपन अभी घाट के एंडिंग पॉइंट पे, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है एंडिंग पॉइंट पे, क्योंकि घाट जो है वो छोटा है, रास्ता उसका छोटा है, बताऊंगा आपको। दोस्तों ये घाट का एंडिंग पॉइंट, ये टर्न मारने के बाद घाट समाप्त हो जाता है, बहुत डेंजरस टर्न है। तो ठीक है, मिलता हूँ आपसे आगे सफर में, बने रहिए ब्लॉग के साथ। घाट वगैरह उतरने के बाद अभी अपन आ चुके हैं चालीसगांव बाईपास से होके, अभी चालीसगांव तो जो टोल नाका है, टोल प्लाजा, उसके पास आ चुके हैं अपन। अभी बताता हूँ आपको ये टोल प्लाजा कितने का है, तो अपना वो भी बताता हूँ। तो ये दोस्तों टोल नाका, ये चालीसगांव कन्नड़ और चालीसगांव धुलिया के बीच में लगता है, चालीसगांव बाईपास पे। बताऊंगा आपको अपनी गाड़ी का जो टोल है कितना कटता है, तो कितना देना पड़ता है। हमारा नंबर आ चुका है दोस्तों, दे रहे हैं अभी टोल, बता बने रहे ब्लॉग के साथ, बताऊंगा आपको भी। ये देखो हमने अभी टोल नाका कटाया है, ये टोल नाका का नाम है, और अपनी गाड़ी का जो टोल है वो है 260 रुपए सिंगल, यानी कि एक बार का 260 रुपया है 2016। ये देखो चालीसगांव टोल प्लाजा। तो ठीक है गाइस, बता दिया आपको टोल नाका भी, अभी सफर तो रखते कंटिन्यू, बने रहिए ब्लॉग के साथ। आप भी नाइट व्यू बताऊंगा आपको, मिलते हैं आगे। घाट वगैरह उतरने के बाद अभी अपन आ चुके हैं धुलिया में, तो रास्ते से मैंने आपको कोई वीडियो नहीं बताया, कोई क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि रास्ते से कुछ बताने के जैसा है नहीं, इसलिए हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो अभी अपन आ चुके हैं धुलिया में, देखेंगे आगे रुकेंगे अभी, तो कहाँ रुकेंगे वो आपको आगे बताऊंगा मैं, बने रहिए अपने ब्लॉग के साथ। आगे रुकने के बाद खाएंगे खाना वगैरह, ठीक है, तब तक बताता हूँ आपको धुलिया सिटी।
हाईवे उस पर हमें एक ही टोल प्लाजा लगता है, बताता हूँ आपको। कट गया दोस्तों अपना टोल नाका। अभी हम आ चुके हैं भिलिया सिटी से आगे, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे रुकने वाले खाना वगैरह खाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं सोनगिर डेंसरी होटल पे, देखो अभी यहाँ पे खाएंगे अपना खाना और सफ़र रखेंगे कंटिन्यू, बताऊंगा आपको, बने रहिए ब्लॉग के साथ। खाने के लिए हम अभी बैठ चुके हैं, खा रहे हैं अभी अपन खाना। तो हमने जो सब्ज़ी ऑर्डर की है बताता हूँ आपको, बताना कमेंट में कौन सी सब्ज़ी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ खाना वगैरह खाने के बाद। तो खाना पीना अपना भी हो चुका है, तो जैसे एक बार कर लिया हमने अपना सफ़र कंटिन्यू, बने रहिए ब्लॉग के साथ। फुल नाइट अपना भी चलने वाले हैं, बने रहिए आप ब्लॉग के साथ, बताऊंगा आपको भी अच्छा अच्छा व्यू नाइट में। A few moments later. दोस्तों अभी अपन आ चुके हैं नंदुरबार से थोड़ा पीछे, ब्लॉग अपना बहुत लंबा हो चुका है और अभी नाइट में आपको बताने जैसा कुछ है भी नहीं, तो इसलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, और जो बेल आइकॉन रहता है उसे प्रेस करके रखें, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले हमारे जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक है गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।